नहाने के दौरान सर्दियों में इन चीज़ों का रखें ध्यान, बचे लकवा से, हार्ट अटैक से। अगर थोड़ी सावधानी बरत देंगे तो आप इनसे ज़रूर बच जाएंगे। सर, आजकल देखा जा रहा है कि लकवा और ब्रेन हेमरेज के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, अस्पताल में रोज़ाना कई मरीज पहुंच रहे हैं, क्या इसकी वजह हो सकती है, ऐसा क्यों हो रहा है? लकवा, ब्रेन हेमरेज और हार्ट की भी समस्याएं इन सर्दियों के दिन में काफ़ी बढ़ गई है, और सर्दी के दिनों में अभी ही नहीं बढ़ी, हर साल ऐसी समस्याएँ इन दिनों दिसंबर और जनवरी में अक्सर होती हैं, जिसके चलते ICU फुल रहता है, लोगों को प्राइवेट में भी सीट नहीं मिल रहा है। इनके पीछे लोगों का जीवन शैली है, जीवन शैली लोगों का जिस तरह से रहता है उसी तरह से चाहते हैं कि जाड़े के दिनों में भी अपनाए रह जाए, लेकिन उसमें मॉडिफिकेशन की ज़रूरत होती है और इसके अभाव में कई लोगों को लकवा मार देता है। ब्रेन हेमरेज की भी समस्याएँ होती हैं, लकवा भी दो तरह की होती है। 90% में जो लकवा होती है, जो ब्रेन की छोटी छोटी नली होती है जहाँ से खून सप्लाई होता है, उसमें ब्लॉकेज हो जाती हैं, इस्केमिक स्ट्रोक कहते हैं इसे, वो लगभग 90-95% होती है। 5% लोगों में ब्रेन हेमरेज की समस्याएं होती है। तो ये समस्याएं हो रही हैं लोगों के जीवन शैली के कारण से। इन दिनों लोग ठंडी के दिनों में अपने आप को बचा नहीं पा रहे हैं, कपड़े नहीं पहन पा रहे हैं, उन्हें उचित कपड़े पहनकर बाहर निकलना चाहिए। और कुछ ऐसे भी होते हैं, रात में जगते हैं, अचानक जगने के बाद तुरंत खड़े हो जाते हैं, तुरंत खड़े हो जाने के बाद बाहर का वातावरण, अब अंदर में आपकी टेम्परेचर ज़्यादा है, रजाई के अंदर में है, अचानक से ठंड वातावरण में अचानक से खड़े हो गए, ब्लड कॉलम आपकी नीचे की तरफ आती है, ब्लड सप्लाई आपका ब्रेन को रुक जाता है, जिसके कारण से लकवा हो जाता है। रात्रि में लकवे की समस्या ज़्यादा हो जाती है, खास करके जो है देखेंगे मॉर्निंग आवर्स में 2-3 बजे के आसपास के समय में जो है हार्ट की समस्या और लकवा की समस्या ज़्यादा हो रही है लोगों को। और उसके बाद दूसरा, स्नान करने का भी तरीका लोगों का गलत हो गया है। स्नान करते हैं, जाते हैं, तुरंत जगना है, ऑफिस जाना है या काम में जाना है, तुरंत अपना कपड़ा खोले, बॉडी आपका उस अनुसार से एडजस्ट नहीं है, और आप बाथरूम जाते हैं, अचानक से आपको आदत है सर में पानी दे देते हैं, सर में अचानक से पानी दे देने के बाद कंस्ट्रिक्शन होता है, खून की नली जो होती हैं वो अचानक से सिकुड़ जाती हैं, तो आपका सप्लाई वहाँ का अवरुद्ध हो जाता है, और अवरुद्ध हो जाने के बाद ब्रेन की टिश्यूज़ को जो होती हैं उसको ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल पाता है, और लकवा को जन्म देता है, अपलूड भी कर जाती हैं कई स्थिति में, जो आर्टरीज होती है, सेरिब्रल आर्टरीज जिसे कहते हैं, वो अपलूड भी कर जाती हैं, जम जाते हैं वहाँ पर खून, और उसका परिणाम होता है कि लकवा हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जब आप स्नान करने जाते हैं तो अचानक से सर में पानी नहीं रखें, पहले अपने पैरों को भिगोएं, फिर अपने कमर को भिगोएं, छाती को भिगोएं, बाद में आप अपने सर में पानी डालें और गुनगुने पानी से स्नान करें। सर्द के समय में अगर मॉर्निंग में स्नान किसी को लेना ही है तो आप अपने गीजर में गर्म कर लें पानी को, उसमें ठंडा पानी कुछ मिला करके अपने ऐसे पानी को जिससे कि आपका शरीर एडजस्ट भी कर लें, ऐसे नहीं कि गर्म पानी ही ले लें आप और जो है ना लकवा को बचाने के चक्कर में अपने देह को जला लिए, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक ना। जो बर्दाश्त करने की क्षमता वाले पानी हैं उसको आप सर में रखेंगे, और बाद में रखेंगे, पहले शरीर को भिगोएंगे तब सिर को भिगोएंगे, इस तरह से आप लकवा से भी बच सकते हैं। तो सर्द में लोगों को नहाने के दौरान इन सावधानियों को ज़रूर बरतना चाहिए। इन सावधानियों को बरतना है जिससे आप लकवा की समस्या से बच सकते हैं, और खान पान में भी सुधार लेना है। अभी जो सर्दी का समय है, लोग बैठे हुए रहते हैं, सेडेंटरी लाइफ है, स्टाइल है, खाने पीने में खूब जोर देते हैं, मटन चिकन ज़्यादा खाते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाती है, कोलेस्ट्रॉल भी एक लकवा होने का, हार्ट अटैक होने का जो है बहुत ज़्यादा अच्छा उसका उदाहरण है कि उससे होता है, उसको प्रभाव करता है। तो ऐसे में कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करने के लिए सर्दी के दिनों में भी आप एक्सरसाइज करेंगे, बाहर नहीं जाएंगे, आप घर में ही एक्सरसाइज करेंगे, छत में एक्सरसाइज करेंगे, अपने आंगन में एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जो संतुलित आहार हैं उसको ले, ऐसा नहीं कि एक ही तरह के भोजन को आपको अच्छा लग रहा है तो मटन ही खाए जा रहे हैं, तो इससे आपकी समस्या बढ़े। तो लोगों को सर्द में इन चीज़ों को अपनाना चाहिए। अपनाना चाहिए, हाँ।
बाहर निकलते हैं आप मतलब बांध करके निकलें, गर्म कपड़े पहने, दो स्तर के कपड़े पहने ताकि आपको अटैक ना हो। हार्ट अटैक की भी समस्या काफ़ी बढ़ रही है इंसान का। परिचय बता दें। मैं डॉक्टर अभय कुमार, कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट, विभागाध्यक्ष, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय पुणे।